नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैक्टर नगर में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हम आपसे बता चुके हैं कि ट्रैक्टर नगर एक ऐसा चैनल है जिसपे आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ट्रैक्टर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जानकारियां मिलेंगी। आप चाहे तो टेक्नीशियन हो या फिर किसी स्टूडेंट हो, कोई स्टूडेंट हो इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल का, या फिर आप कोई फार्मर हो, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है ये ट्रैक्टर नगर, कोई किसी भी जानकारी को हासिल करने के लिए। कमेंट में आप अपने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई और वीडियो चाहिए तो उसको भी बता सकते हैं। ये चैनल इसी पर्पज से बनाया गया है ताकि आपको हेल्प मिल सके इस पर। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम जानेंगे ट्रैक्टर या इंजन का फ्यूल सिस्टम क्या होता है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम क्या होता है, आखिर कैसे होता है। देखिए, फ्यूल सप्लाई सिस्टम की जब हम बात करते हैं, फ्यूल सप्लाई सिस्टम आखिर दिया क्यों गया है। फ्यूल सप्लाई सिस्टम मतलब इंजन की खुराक। जी हाँ, इंजन का एक तरीके से खाना, मतलब अगर वो नहीं होगा तो एनर्जी हम जनरेट नहीं कर पाएंगे इंजन में, या किसी भी ट्रैक्टर वगैरह कुछ भी हो तो उसमें एनर्जी हम प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएंगे। तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है इसलिए ताकि हम एनर्जी को जनरेट कर सकें। तो आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम आखिर काम कैसे करता है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको इसमें की सारी जानकारियाँ आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, अगर फ्यूल सिस्टम की बात करें इंजन में, तो वो दो टाइप का होता है। पहला तो ग्रेविटेशनल फोर्स का और दूसरा होता है फोर्स फीड होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल में क्या होता है कि फ्यूल टैंक जो होता है हम FIP से ऊपर लगाते हैं। ठीक है, ऊपर लगाते हैं ताकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से डीजल फ्यूल जो भी है, पेट्रोल डीजल कुछ भी है, वो आता रहे अपने आप। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया कि हम उस पर फीड पम्प ऐड कर देते हैं, वो खींचता रहता है फ्यूल को, खींचता रहता है और वो FIP को भेजता रहता है। तो दो तरीके का होता है। तो हम सेकंड चीज की बात करेंगे, फोर्स फीड आखिर क्या होता है। तो आज हम जानेंगे कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम का जो फिगर होता है वो कैसे बनेगा, उसको बना के देखेंगे और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे कि कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि फ्यूल टैंक लगा हुआ है यहाँ पे, ये ट्रैक्टर का फ्यूल टैंक। ठीक है, इसमें फ्यूल भरा गया होता है, डीजल भरा गया होता है। यहाँ से जैसे ही एंटर करेंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे, यहाँ पे जस्ट टी नोब लगा हुआ है जहाँ से हम फ्यूल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद में आगे जब जाएंगे तो ये मिलेगा वाटर सेपरेटर, इसको बोलेंगे वाटर सेपरेटर। वाटर सेपरेटर का काम क्या है इस यहाँ पे? हम बता देते हैं आपको। वाटर सेपरेटर का काम यही है, वाटर को सेपरेट करता है। मतलब जब गाड़ी चलती है तो इसमें जो फ्यूल टैंक में डीजल वगैरह भरे रहते हैं, इसमें थोड़ा बहुत हीट होता है, हीट पैदा हो जाती है, जिसके कारण इसमें वॉश बनने लगती है। इस फ्यूल टैंक में वॉश बनने लगती है, वॉश जाके इसी तली पर ऊपर ये यहाँ पे चिपक जाते हैं। ठीक है, बूंद बूंद के रूप में। तो होता क्या है, जब ये गाड़ी ठंडी होती है तो वही बूंद बूंद आके यहाँ इस पाइप लाइन के माध्यम से जाके हमारे पंप को गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है, उसकी लाइफ को घटा सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे वाटर सेपरेटर दिया गया है ताकि हम वाटर को यहाँ से ड्रेन कर सकें, क्योंकि वाटर जो होता है भारी होता है, डीजल जो होता है वो हल्का होता है। हल्का होने की वजह से ये डीजल ऊपर हो जाता है और वाटर नीचे आ जाता है, यहाँ से ड्रेन प्लग के थ्रू हम उसको ड्रेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर मिलेगा फीड पम्प। फीड पम्प का काम क्या है कि ऑयल को यहाँ से सक करता है, खींचता है वो, और खींच कर सीधा FIP को देता है। ठीक है, लेकिन FIP में जाने से पहले हमें इस वाटर डीजल को फिल्टर करना है। तो यहाँ से उसको गुजारेंगे, दो फिल्टर से गुजारेंगे। पहले पहला होता है प्राइमरी फिल्टर। ठीक है, प्राइमरी फिल्टर यहाँ पे लगा होता है। प्राइमरी फिल्टर कॉटन का होता है, कपड़े का होता है, और दूसरा होता है सेकेंडरी फिल्टर बोलते हैं, साथ साथ लगा होता है, आपने देखा होगा, इस पिक में देख सकते हैं आप। सेकेंडरी फिल्टर पेपर एलिमेंट का होता है ताकि जो कम डस्ट हो वो भी छन जाएं। इसके बाद मीडियम प्रेशर पाइप लाइन से
ये आगे गई FIP को जाती है। डीजल कहाँ पे जाता है, ये हमारा फ्यूल FIP को जाता है। FIP में आप यहाँ पे देख सकते हैं, FIP में हाई प्रेशर पाइपलाइन के माध्यम से इंजेक्टर को चला जाता है, इंजेक्टर जिसे नोजल भी बोलते हैं, ये यहाँ पे इंजेक्टर बना हुआ है, ठीक है। ये तो होता है पूरा प्रोसेस। यहाँ से फिर एक पाइपलाइन निकली होती है FIP से, जो सीधा फ्यूल टैंक से जुड़ी होती है, यहाँ से जुड़ी होती है, जो इसका काम ये होता है कि जो यहाँ से फ्यूल बच जाता है वो जाके डीजल टैंक में फिर से फिल हो जाता है। और एक ओवरफ्लो पाइपलाइन यहाँ भी लगी होती है, जो इंजेक्टर से बचता है वो जाके फिर से डीजल टैंक में भर जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है फ्यूल टैंक फ्यूल सप्लाई सिस्टम का। तो होपफुली आपको ये लाइन डायग्राम समझ में आया होगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसका समझने के लिए। और इसके बाद हम बताएंगे आपको प्रैक्टिकली इंजन पे ले जाके कि कैसे होवर करता है। तो दोस्तों ये है ट्रैक्टर का इंजन, इसमें हम आज बात करेंगे फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो, आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूल के, फ्यूल स्टोरेज कहाँ करते हैं। तो फ्यूल टैंक में हम स्टोर करते हैं, ये है ट्रैक्टर का फ्यूल टैंक, इसको फ्यूल टैंक बोलते हैं। यहाँ पे कैप लगा हुआ है, इसमें थोड़ा एक होल रहता है, ठीक है, ताकि वैक्यूम क्रिएट ना हो। सो यहाँ पे फ्यूल टैंक देख सकते हैं आप, फ्यूल टैंक के बाद एक टी लगी होती है यहाँ पे, ये ऑन ऑफ वाली टी है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ से फिर डीजल निकलने लगेगा, ठीक है। ये वाली पाइप आई यहाँ पे, तो सबसे पहले फ्यूल टैंक के बाद आता है वाटर सेपरेटर। वाटर सेपरेटर का काम ये है कि वाटर को सेपरेट करना डीजल से, ठीक है। गाड़ी जब चलती है तो उसमें हीट बन जाती है, हीट होता है डीजल, तो कहीं ना कहीं इसमें वॉस्प तो हो ही जाता है, वॉस्प जो जाके यहाँ पे इसके प्लेट के ऊपर कंडेंस मतलब बूंद बूंद के रूप में ऊपर चिपक जाता है, बाद में जब ठंडा होता है फ्यूल तो वो बूंद बूंद के रूप में नीचे गिरता रहता है। तो उसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे वाटर फिल्टर लगाते हैं, वाटर सेपरेटर। यहाँ पे देख सकते हैं पानी जो होता है भारी होता है और डीजल हल्का होता है, डीजल ऊपर हो जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा, यहाँ ड्रेन फ्लक्स खोल के हम इसको ड्रेन कर सकते हैं ऑयल को। उसके बाद में वाटर सेपरेटर के बाद में ये पाइपलाइन गई है फीड पंप पे, ये इसको फीड पंप बोलते हैं। फीड पंप से फ्यूल फिल्टर को जाएगा फ्यूल, यहाँ पे पहला प्राइमरी फिल्टर लगा हुआ है, दूसरा सेकेंडरी फिल्टर। प्राइमरी फिल्टर जो होता है वो क्लॉथ का होता है और सेकेंडरी जो होता है वो पेपर एलिमेंट होता है। मैं आपको अंदर का दिखा देता हूँ, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये है प्राइमरी फिल्टर और ये है सेकेंडरी फिल्टर। प्राइमरी फिल्टर जो होता है कपड़े का होता है, इस देख सकते हैं ये कपड़े का है, और सेकेंडरी फिल्टर की बात करते हैं तो ये है पेपर एलिमेंट, कागज का बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद में डीजल जाएगा FIP को, ये FIP है हमारा फ्यूल इंजेक्शन पंप बोलते हैं इसको, यहाँ पे गया। यहाँ से फिर ये आपको हाई प्रेशर पाइपलाइन दिख रही है, यहाँ पे जाके इंजेक्टर में मिलता है, ठीक है। इंजेक्टर, तीनों इंजेक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, नोजल भी जिसको बोलते हैं। यहाँ से जो डीजल हमारा फ्यूल बचता है वो सीधा टैंक में फिर से ओवरफ्लो पाइपलाइन से वापस चला जाता है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं जो फ्यूल यहाँ से बचता है नोजल से, वो उसके लिए एक पाइपलाइन है यहाँ पे, ये लाइन गई है, ये सीधा आपको टैंक में वापस जितना भी डीजल बचता है वो वापस टैंक में चला जाता है। तो ये पूरा है फ्यूल सप्लाई सिस्टम ट्रैक्टर इंजन का, मुझे लगता है आपको पसंद